महाड की जानिब से इनिंग का आगाज करने के लिए योगेश स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर ओंकार। अपने कोटे की पहली ओवर और टीम की जानिब से पहली ओवर लेके आए केतन। राइट हम ओवर द विकेट से अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट हुआ पर योगेश के बल्ले से निकलता हुआ। अंपायर का इशारा, एक रन। इसी के साथ योगेश ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला एक रन से। अब स्ट्राइक पर पहली बार ओमकार, सामना करेंगे केतन का। केतन राइट हम और द विकेट से सामना करेंगे ओमकार। फिर से एक बार केतन, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट ओपर ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ, फील्डर उसके नीचे, कैच का मौका बन सकता है, कैच ड्रॉप ओपर। इसी के साथ ओमकार ने अपना भी खाता खोला एक रन से, स्कोर में इजाफा, स्कोर धीमी गति से आगे बढ़ा दो रन। इस ओवर की आखिरी चार गेंद आना बाकी। फिर से एक बार केतन अंपायर को पार किया, केतन राइट हम ओवर द विकेट से अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, ओमकार ने मना किया, स्कोर में इजाफा तीन रन। ओमकार फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार, गेंद की उतनी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट पर ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ, फील्डर उसके नीचे, कैच हो सकती है, एक रन वहां पर, स्कोर धीमी गति से आगे बढ़ा चार रन। इस ओवर की आखिरी दो गेंद आना बाकी। केतन ने अभी तक चार गेंदों में सिर्फ चार रन खर्च किए वहां पर। फिर से एक बार केतन अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर, और ये काफी बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर। आफ्ताब अत्तर की तरफ से यहाँ पर थैंक यू डीजे, अभी जो कैच पकड़ रहा है उसके लिए आफ्ताब अत्तर की तरफ से 200 रुपए का इनाम आया है समीर के लिए। काफी बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर समीर ने अपनी टीम के लिए, एक बड़ा विकेट हासिल किया केतन ने योगेश पेनकर का। महाड को लगने वाला पहला झटका योगेश पेनकर, अब योगेश की जगह लेने जा रहे हैं संदीप, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है संदीप। केतन ने अभी तक पांच गेंदें डाली है, सिर्फ चार रन खर्च किए अपनी टीम के लिए, काफी अच्छी ओवर डाले वहां पर केतन ने। इस ओवर की आखिरी एक गेंद लेकर सामना करेंगे इस बार संदीप। संदीप अब पहली बार स्ट्राइक पर,
केतन गेंदबाजी के लिए तैयार, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद वहां पर, अंपायर का इशारा 22 के रूप में एक रन, एक ओवर के खात्मे पर महाड का स्कोर है 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखते हैं अब देवघर की जानिब से दूसरी ओर लेकर कौन आता है, अपने कोटे की पहली ओवर और टीम के जानिब से दूसरी ओर लेके आए हैं संकेत। स्ट्राइक पर अभी ओमकार सामना करेंगे संकेत का, संकेत आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट हुआ पर ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ, अंपायर का इशारा 6 रन इसी के साथ स्कोर तेजी में इजाफा 11 रन। पहले गेंद पर वहां पर षटकार फेंका ओमकार, फिर से एक बार संकेत अंपायर को पार के विकेट को पार के गेंद की काफी अच्छी गेंद वहां पर, काफी अच्छा शॉट ओपन अनौर का कटा हो सकता है, संदीप माने ने वहां पर मना किया ओमकार को। फिर से एक बार संकेत अपने बॉलिंग मार्ग पर अंपायर को पार के विकेट को पार के गेंद की काफी अच्छी गेंद वहां पर डॉट गेंद, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 11 रन। काफी अच्छा कमबैक है वहां पर, संकेत ने काफी अच्छी वापसी की वहां पर। फिर से एक बार संकेत अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद वहां पर और ये अंपायर का इशारा आउट। इसी के साथ महाड़ को लगने वाला दूसरा झटका ओमकार, थैंक यू डीजे। इसी के साथ महाड़ को लगने वाला दूसरा झटका एलबी के रूप में ओमकार, अब देखते हैं ओमकार की जगह संभाल ले गणेश। गणेश सामना करेंगे संकेत का, संकेत ने एक छक्का खाकर काफी अच्छी वापसी की है वहां पर अपनी टीम के लिए, 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं वहां पर इस ओवर की आखिरी 2 गेंद लेकर। फिर से एक बार संकेत सामना करेंगे गणेश का, गणेश अब पहली बार स्ट्राइक पर, संकेत फिर से एक बार तैयार, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार के विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद वहां पर, उतना अच्छा शॉट, रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन खराब थ्रो की वजह से 1 रन मुकम्मल किया। इसी के साथ गणेश ने अपना खाता खोला 1 रन से 12 रन इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। फिर से एक बार संकेत अब पहली बार स्ट्राइक पर, सामना करेंगे संदीप। संदीप एक काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है वहां पर महाड़ की टीम से, फिर से एक बार संकेत अंपायर को पार के विकेट को पार के गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर डिक्लेयर के रूप में 1 रन। इसी के साथ 2 ओवर के इख्तिताम पर महाड़ का स्कोर है 13 रन। काफी अच्छी वापसी की वहां पर संकेत ने, पहली बॉल पर छक्का खाकर सिर्फ 2 रन खर्च किए आखिरी 5 गेंदों में, 1 विकेट हासिल किया वहां पर ओमकार का।
देवघर हरेश्वर की जानिब से आखिरी ओवर लेकर तेजस सामना करेंगे संदीप। दस बारह पावलों का रनअप वहां पर तेजस राइट आर्म ओवर द विकेट से सामना करेंगे संदीप। संदीप खेलने के लिए तैयार। आहिस्ता आहिस्ता तेजस अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर संदीप के बल्ले से निकलता हुआ डिक्लेयर के रूप में एक रन। स्कोर में धीमी गति से इजाफा 14 रन। इस ओवर की आखिरी 5 गेंद आना बाकी। इस मैच की अंपायरिंग कर रहे हैं अरेब कुदरुते निसार मांडलेकर। फिर से एक बार तेजस आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट ऊपर गणेश के बल्ले से निकलता हुआ फील्डर उसके नीचे अंपायर का इशारा 6 रन। इसी के थैंक यू डीजे, काफी अच्छा शॉट लगा है वहां पर गणेश ने अपनी टीम के लिए। स्कोर में तेजी से इजाफा 20 रन, जबकि इस ओवर की आखिरी और 4 गेंद आना बाकी। फिर से एक बार तेजस आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, उतनी खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। स्कोर में इजाफा 21 रन। गणेश फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार। तेजस राइट आर्म ओवर द विकेट से आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर गणेश के बल्ले से निकलता हुआ अंपायर का इशारा 4 रन। काफी अच्छा शॉट वहां पर गणेश ने। तीन गेंदों में 11 रन बनाए वहां पर गणेश ने एक चौके एक छक्के की मदद से। फिर से एक बार तेजस अंपायर को पार के, विकेट को पार के, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर डिक्लेयर के रूप में एक रन। स्कोर में इजाफा 26 रन। इस ओवर के आखिरी 2 गेंद आना बाकी। गणेश ने 4 गेंदों में 12 रन बनाए वहां पर अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार अभी स्ट्राइक पर है संदीप, सामना करेंगे तेजस का। आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर काफी खराब फील्डिंग की वहां पर। एक रन दो दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, गणेश ने मना किया वहां पर। 27 रन, जबकि इस ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। गणेश क्या इस गेंद पर छक्का लगा सकते हैं या तेजस विकेट ले सकते हैं? इस ओवर की आखिरी गेंद आहिस्ता आहिस्ता तेजस अंपायर को पार के, विकेट को पार के, गेंद की काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर फील्डर उसके नीचे एक रन चुराया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे वहां पर, संदीप ने मना किया। इसी के साथ इस इनिंग का खात्मा 3 ओवर के इख्तिताम पर। अफजल 11 महार का स्कोर है 28 रन, जबकि देवघर हरेश्वर को ये मैच जीतना होगा तो 18 गेंदों में 29 रन बनाने होंगे। 18 गेंद और 29 रन। महार के कप्तान से गुजारिश है कि अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द सजाए।
मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर देवघर हरेश्वर को मैच जीतना होगा तो 18 गेंदों में 29 रन बनाने पड़ेंगे। देवघर हरेश्वर के कप्तान से गुजारिश है कि अपने बल्लेबाज क्रीज पर भेजे, सलामी के बल्लेबाज क्रीज पर भेजे। हेलो सभी दर्शकों को फिर से मेरा प्यार भरा सलाम। काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं, महाड़ अफजल 11 और देवगढ़ हरेश्वर के बीच। महाड़ अफजल 11 ने पहले बाजी बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 28 रन बनाए, 29 रनों का लक्ष्य रखा है। अब इसका पीछा करती हुई देवगढ़ हरेश्वर देखना है कहां तक देवघर हरेश्वर, उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं। देखना है सलामी के बल्लेबाज जो कि प्रारंभिक जोड़ी यहां पर क्रीज में मौजूद, संकेत और केतन। स्ट्राइक पर केतन, नौ स्ट्राइक पर तेजेश। गेंदबाजी के लिए देखना है जो कि सलामी के गेंदबाज रहेंगे। ओमकार ओमकार, मैच शुरू हो रहा है। निसार है अंपायर, काफी अच्छे अंपायरिंग का काम अंजाम देते हैं निसार। दो तीन दिन पहले कोयत से खास मैच के लिए आ चुके हैं, कोयत से मंगाए उन्हें अंपायरिंग के लिए। काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं, काफी तजुर्बा है उनके पास। अच्छी गेंद थी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अंपायर का इशारा आता हुआ। स्टाइल बहुत भारी रहता है निसार का, नो बॉल। जब नो गेंद रहती है तो फ्री हिट रहेगा। और देखिए अंपायर से कोई बहस न करें, आखिरकार पूछ सकते हैं लेकिन बहस न हो, क्योंकि एक टूर्नामेंट जो है बड़ा टूर्नामेंट है, 1 लाख का टूर्नामेंट है। सारे दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और दर्शकों से कहता हूँ कि आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो यह सक्सेसफुल मैच रहेगा, इस बात को नोट करें। और दर्शक जितने भी रहेंगे तो इस मैच में इंटरेस्ट भी रहेगा। फ्री हिट रहेगा, बल्लेबाज तैयार, सामने है गेंदबाज ओमकार, राइट हैंड राउंड विकेट से। ओहो अच्छी गेंद, लेकिन किस्मत देखो कहां, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, यही बात हुई यहां पर। किस्मत ने साथ दिया, भाग अच्छा था, बॉल हुए थे लेकिन फ्री हिट था, इसीलिए अपनी क्रीच में सुरक्षित, वरना खतरा हो सकता था। ओमकार फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट हैंड राउंड विकेट से तेज कदमों का रन अप, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों को क्रॉस किया। ओहो अच्छी गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा, एक रन के साथ खाता खोला तेजस ने, अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 2।
डॉक्टर गुलजार साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। आफ्ताब स्पोर्ट क्लब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बैठने का इंतजाम किया हुआ है। जी हाँ, हमारे डॉक्टर गुलजार साहब भी अच्छी कमेंट्री करते हैं, प्लीज माइक्रोफोन के पास आ जाए। नेक्स्ट मैच के लिए यहाँ पर डॉक्टर गुलजार आएंगे। ओहो, अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद, सीधी टप्पा खाने के बाद कीपर के हाथ, कोई मौका नहीं रहा। दो रन हो चुके हैं। ओहो, अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्के हाथों से खेला, एक रन मिला, एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 3। तीन रन हो चुके हैं, पहला ओवर जारी है। साईगांव, इसके बाद होने वाला साईगांव और पुलिस श्रीवर्धन के दरमियान में दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाए। अच्छी गेंद थी, तेजस ने इसे भरपूर अंदाज से खेला है, देखना है गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। जी हाँ, थैंक यू डीजे मास्टर। पॉइंट की जानिब खेला, 4 रन मिले, 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 7। अच्छी गेंद थी तेजस के लिए, तेजस ने फिर से एक बार वही ढंग से खेला है, जब तक के फील्डर है उसके नीचे एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 8। देवघर, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 बगैर किसी नुकसान के। काफी संघर्ष मुकाबला, काफी अच्छी टूर्नामेंट होती हुई यहाँ पर, आज का पहला दिन है। सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ आफ्ताब स्पोर्ट क्लब की तरफ से, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हमारी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सभी सारे गल्फ वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। फिर से एक बार योगेश की पहली गेंद पर, जो कि एक अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं योगेश पेनकर, काफी क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया, टेनिस क्रिकेट में योगेश पेनकर, गाना भी नाम उनके नाम से निकला है, काफी अच्छा गाना लगता है डीजे पर, तो काफी सारे दर्शक खुश हो जाते हैं। केतन स्ट्राइक पर, योगेश एक नपी तुली गेंदबाजी करते, अच्छा तालमेल रहता है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में योगेश का अच्छा योगदान रहता है। योगेश, ओहो अच्छी गेंद थी, लेकिन योगेश की गेंद को कैसा खेले, थोड़े से थर्ड मैन में खेला, एक रन मिला, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा यहां पर 10 रन। जबकि दूसरा ओवर लेके आए हैं योगेश, एक नपी तुली गेंदबाजी करेंगे, काफी अंदाज, काफी ओहो बहुत अच्छी गेंद, उतना बेहतरीन शॉट, लेकिन अंपायर के इशारे के मुंतजिर रहेंगे 6 रन। जी हाँ योगेश, बहुत अच्छी गेंद थी, बेहतरीन शॉट खेला है, जब तक के फील्डर है उसके नीचे, वहां पर एक ही रन मिलेगा सिंगल, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। 4 गेंदे कर चुके हैं योगेश, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर केतन और तेजेश के रूप में, स्कोर है 17 29 रनों का लक्ष्य पूरा करना है। 8 गेंदे 12 रनों की जरूरत, काफी अच्छी गेंद, समझ ना सके यहां पर केतन, सीधी गेंद कीपर के दस्तानों में,
सात गेंदे 12 रनों की जरूरत, काफी संघर्ष मुकाबला। क्या देवघर इस लक्ष्य को पूरा कर पाती है क्या नहीं, 29 रनों का लक्ष्य पूरा करना है। यहाँ पर ओहो अच्छी गेंद, और यहाँ कैच लेते लेते छूट गया, क्या छूटा, मैच छूटा। दो रन जरूर लिए, दो रनों के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा। मेरे साथी स्कोरर है यहाँ पर, मन्नान कुदरत है, टॉस के लिए यहाँ आ जाए। हमारे डॉक्टर गुलजार के हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा, पुलिस श्रीवर्धन और साईगांव के बीच टॉस होगा, दोनों कैप्टन यहाँ आकर टॉस उछाल ले। जी वतारे ब्रदर्स की तरफ से साईगांव के मैन ऑफ द मैच के हकदार कौन थे, जुनेद, अपना 500 रुपया लेके जाए जुनेद, पर मैच 500 रुपया दिया जा रहा है यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का। ब्रदर्स वतारे इनकी तरफ से, बॉलर नेम प्लीज, गुड नेम बाबू, बाबू तीसरा ओवर लेके 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत, काफी संघर्ष मुकाबला। क्या तेजेश इस नैया को पार कर पाते हैं क्या नहीं, क्योंकि गेंदबाज भी अच्छे हैं बाबू, काफी अच्छा अंदाज है गेंदबाजी का बाबू का, लेकिन उतने बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं उनके सामने तेजेश, काफी लंबे छक्के चौके लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाने के प्रयास में। ओहो अच्छी गेंद थी लेकिन हल्के हाथों से खेला, कलाइयों के सहारे मोड़ा, गली की जानिब जाती हुई गेंद, लेकिन एक रन जरूर मिला, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 21-20 रन। 4 गेंदे और 9 रनों की जरूरत, काफी अच्छा मुकाबला। 4 गेंदे और 9 रन, काफी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, सारी नजरें जमी टिकी हुई है बल्लेबाजी की ओर। केतन है बल्लेबाज स्ट्राइक पर, बाबू चले राउंड विकेट से, अच्छी गेंद थी, बाबू ने कट कर दिया, फील्डर है वहां पर, और कोई गलती नहीं की कैच लेने में, विकेट का खात्मा। जी हाँ थैंक यू डीजे मास्टर, विकेट का खात्मा हुआ केतन के यहाँ पर, पहला विकेट गिरा जो यहाँ पर, सलामी के बल्लेबाज से केतन और तेजेश, अब जा रहे नए बल्लेबाज संकेत। तीन गेंदे और 9 रनों की जरूरत, जी हाँ टॉस उछाला गया डॉक्टर गुलजार के हाथ से, श्रीवर्धन पुलिस ने टॉस जीतकर, ओहो क्या बात है, सीधी गेंद सीमा रेखा पार, जी हाँ थैंक यू डीजे मास्टर। आपको बताते चलूं कि 2 गेंदे बची हुई और 3 रनों की जरूरत, काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग मुकाबला, चेसिंग कंपलसरी यहाँ पर। आफ्ताब वतारे की तरफ से अगर और एक छक्का मारेगा तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा तेजेश के लिए। तेजेश 2 गेंदे बची हुई, 2 गेंदे और देखना है यहाँ पर, 1 रन मिला, कंपलसरी चेसिंग रहेगा यहाँ पर, आखिरी 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत, क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं क्या नहीं, नए बल्लेबाज हैं संकेत। जी हाँ यहाँ पर टॉस उछाला गया साईगा और पुलिस श्रीवर्धन के दरमियान में, जिसमें टॉस जीतकर पुलिस श्रीवर्धन ने पहले फील्डिंग का निर्णय किया, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी को साईगांव को, काफी अच्छा रोमांचक मैच यहाँ पर। आखिरी गेंद और 2 रनों की जरूरत, क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं क्या नहीं संकेत। चेसिंग कंपलसरी रहेगा, आखिरी 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत, काफी
रोमांचक मैच यहाँ पर और सुंदर तरीके से यहाँ पर कैच लिया और मैच गया। जी हाँ थैंक यू डीजे मास्टर। हेलो थैंक यू डीजे मास्टर समीर देवघर के समीर अपना 200 रुपए का इनाम लेके जाए, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए अपना 200 रुपए का इनाम लेके जाए। हाँ जी इस मैच के बारे में आप ये कहना चाहता हूँ